बिहार के कई जिलों में कुदरत का कहर टूटने के बाद प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर स्तर पर कोशिश हो रही है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां राज्य के सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, वहीं राज्यसभा में तूफान से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तूफान से हुई तबाही की जमीनी हकीकत के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्य से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ बिहार पहुंचे। वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ लेकर राजनाथ सिंह ने पूर्णिया और मधेपुरा जिलों के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। हमारी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और इन्होंने कहा है कि और जितनी क्षति हुई है उसका एसेसमेंट कराने के बाद एक मेमोरेंडम भारत सरकार को जल्दी से जल्दी वह भेजेंगे और स्वयं भी वह इस कार्य के लिए दिल्ली आने वाले हैं। मैंने भी आश्वस्त किया है अपनी तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, इस संकट की घड़ी में हम लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, हर प्रकार की मदद देने को हम तैयार हैं ताकि जनता को इस संकट से उबारा जा सके। प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद राजनाथ सिंह पूर्णिया व मधेपुरा के पीड़ितों से भी मिले। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर एक रिपोर्ट केंद्र के पास भेजेगी, जिसके बाद सरकार समुचित सहायता राज्य सरकार को देगी। सचमुच फसलों को की भारी क्षति हुई है और साथ ही साथ बहुत सारे वृक्ष टूटे भी हैं। जहां मकई की फसल बर्बाद हुई है, इसके अतिरिक्त अन्य भी फसलें बर्बाद हुई हैं, वहीं पर आम की फसल को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुझे यह जानकारी दी गई, इस बार तो आम की फसल बहुत ही अच्छी थी लेकिन अब कुछ शेष नहीं बचा है। भारी संख्या में मकानों को भी क्षति पहुंची है, जनधन की भी क्षति हुई है, पशुधन की भी क्षति हुई है, फसलों की भी क्षति हुई है, बहुत सारे लोग आवास विहीन हो गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार की मदद की दिल खोलकर सराहना की। इस बीच पूर्णिया में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही तूफान के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। तूफान के कारण पूर्णिया में सबसे अधिक 38 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मधेपुरा में 7, मधुबनी में 3 और कटिहार, सीतामढ़ी एवं दरभंगा में 2-2 और सुपौल में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। उधर राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने के पूर्वानुमान के कारण 12 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश खतरनाक हो सकती है। मेडिकल टीमों को अलर्ट रखने और नागरिकों की मदद के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी गई है। उधर राज्यसभा में न केवल तूफान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई बल्कि आपदा में हुए नुकसान पर चिंता भी जताई गई। सभापति हामिद अंसारी ने तूफान के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति पूरे सदन की ओर से संवेदना व्यक्त की। राज्य की जनता तूफान के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से राजनीति को दूर रखकर लोगों की मदद के लिए सामने आई है, उससे न केवल केंद्र राज्य सहयोग की नई मिसाल बनी है बल्कि लोगों को फौरन राहत देने में मदद मिली है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।